जी हां स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में आपके लिए लेकर आया हूं मैं कैन कुड मे और माइट। जी हां स्टूडेंट्स, स्पेशल स्टूडेंट्स की डिमांड पर ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैन कैसे वर्क करता है, कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है, मे और माइट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सर कैन और मे के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सारी चीजें डिटेल्ड बता रहा हूं। जो बेसिक इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स है सारी चीजें स्टूडेंट्स डिटेल में बताऊंगा। साथ ही वीडियो के लास्ट में आपको दूंगा एक एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और आपको बताना है कि यहां पर कैन आएगा, कुड आएगा, मे आएगा या माइट आएगा। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखते हुए एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करिएगा स्टूडेंट। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आज मैं आपको कैन के 2 से 3 यूजेस बताऊंगा, कुड के 3 से 4 यूजेस बताऊंगा, मे के भी 3 से 4 यूजेस बताऊंगा और माइट के 2 यूजेस बताऊंगा। मतलब पूरे वीडियो को एंड तक देखते हुए एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग कैन की बात करें तो स्टूडेंट्स कैन जो होता है ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखें। जो शो अप करता है आपकी एबिलिटी को, आपकी कैपेसिटी को और आपकी पावर को। मतलब कोई काम करने की अगर आप में एबिलिटी है, कैपेसिटी और पावर है तो वहां पर आपको स्टूडेंट्स कैन को शो अप करना है। मैंने आपसे कहा खाना बना सकते हो, यस आई कैन कुक फूड। तो इसका स्ट्रक्चर भी बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, सब्जेक्ट कैन V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप कोई काम को अच्छे से कर सकते हो। जब आपसे मैं कहूं खाना बना सकते हो, यस आई कैन कुक फूड, इंग्लिश बोल सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तैर सकते हो, यस आई कैन स्विम, इंग्लिश बोल सकते हो, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, क्रिकेट खेल सकते हो, यस आई कैन प्ले क्रिकेट। मतलब कैन का उपयोग वहां करना है जहां पर आप अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को और अपनी पावर को दिखा रहे हो। पावर इन द सेंस मैंने कहा क्या है, दरवाजा तोड़ सकते हो आप, यस आई कैन ब्रेक दिस डोर, क्या आप इस चेयर को उठा सकते हो, कैन यू लिफ्ट दिस चेयर, तो आपने कहा यस आई कैन लिफ्ट। मतलब कि जो भी काम करने की आप में पावर है, जो भी काम करने की आप में एबिलिटी है, कैपेसिटी, उसके लिए आपको यूज करना है कैन को। कितना ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट मैं आपको लेकर चल रहा हूं कुड की ओर। तो कुड जो है ये भी थोड़ा सा यूज होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर के लिए। एबिलिटी, कैपेसिटी, इट्स अ कैपेसिटी, ओ गॉड। लेकिन स्टूडेंट्स एबिलिटी, कैपेसिटी कौन सी, पास्ट की, ये थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे आप लोग। जब पास्ट में आप कोई काम कर पाते थे, कर सकते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो नहीं कर सकते। एक एग्जांपल देता हूं बूढ़े व्यक्ति का, उसने कहा मैं इस नदी को तैर कर पार कर सकता था जब मैं यंग था, सो व्हेन आई वाज यंग आई कुड क्रॉस दिस रिवर By swimming, but now I cannot. लेकिन अब मैं नहीं कर सकता हूं। तो जो काम हम पास्ट में कर सकते थे, जो काम पास्ट में हमको आता था, बट अब प्रेजेंट में नहीं आता है। आपने कहा 2 साल पहले मैं इंग्लिश बोल सकता था, 2 years ago I could speak English. मैं वहां जा सकता था, I could go there. मैं तैर सकता था, I could swim. तो जो काम आप पहले कर सकते थे लेकिन अभी नहीं कर सकते, उसके लिए स्टूडेंट्स आपका लगता है could. मतलब could का उपयोग होता है पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को शो अप करने के लिए। जब मैं 5th standard में था, मैं संस्कृत बोल सकता था, when I was in 5th standard I could speak Sanskrit, but now I cannot. लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता हूं। तो इस तरीके से आपका could जो वो स्टूडेंट यूज होता है। आपको बता दूं मैं कि can और could का जब आप फ्यूचर बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा इसका फ्यूचर बनता है will be able to, ठीक है, विल बी एबल टू जो है इसके फ्यूचर के तौर पर यूज होता है, जो आपको याद रखना है। चलिए मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूं मे का फर्स्ट यूज। आप में से जो स्टूडेंट्स इस सेशन को देख रहे, बता दूं कि मैंने अभी आपको जो यूज बताया, सबसे पहला यूज बताया कैन का, दूसरा बताया कुड का। तो कैन का और कुड के दोनों के एक एक यूजेस देखें। अभी मैं आपको कुड का सेकंड यूज, थर्ड यूज, ऐसे कुड के 3-4 जो यूजेस है सारे क्लियर करूंगा। चलिए मैं आपको मे का यूज बताता हूं। मे का सबसे पहला यूज स्टूडेंट्स देखो, ये यूज होता है आपका प्रेजेंट में। सबसे पहले तो एक चीज याद रखें, देखिए कैन भी प्रेजेंट में यूज हो रहा है, कुड भी, कुड जो है वो पास्ट में यूज हो रहा है, और मे जो है वो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट में यूज हो रहा है वो हम देखते हैं। तो ये शो अप करता है स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटी को। आप लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इट शोज द पॉसिबिलिटी इन द वर्क, ये काम में पॉसिबिलिटी को दिखाता है। और पॉसिबिलिटी भी कैसी हो स्टूडेंट्स, ज्यादा हो, मोर देन 50%। जब आपके कार्य में ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर आप मे का उपयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट में V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए आज रोहन एब्सेंट है, तो आपने कहा रोहन रास्ते में होगा, तो रोहन मे बी ऑन द वे, रोहन मे बी ऑन द वे, शायद वो आएगा, ही मे कम, आएगा या फिर आ सकता है। याद रखिएगा शायद आएगा या फिर आ
सकता है। इसी सिचुएशन के लिए आपको मे लगाना है, मतलब मे वहां यूज करना है जहां पर आप किसी कार्य में पॉसिबिलिटी ज्यादा दिखा रहे हो। बाहर एटमॉस्फेयर, बाहर जो है बादल है, थोड़ा क्लाउडी एटमॉस्फेयर है, तो आपने कहा आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टूडे, ध्यान दीजिएगा, इट मे रेन टूडे, मतलब बारिश होने की क्या है भैया, पॉसिबिलिटी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है मे का, जो आपको याद रखना है, राइट। जैसे मान लीजिए एक पोल सामने खड़ा हुआ है, लगा हुआ है, मैंने कहा इसकी हाइट क्या होगी, तो आपने कहा इट मे बी 10 feet, आई थिंक इट मे बी अबाउट 10 feet, लगभग इसकी हाइट कितनी होगी, 10 feet की होगी। तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको मे का यूज करते हैं, जहां पर आप पॉसिबिलिटी दिखाते हो, संभावना दिखाते हो, राइट। तो ये हो गया आपका मे। अब मैं नेक्स्ट आपको लेकर चल रहा हूं माइट की ओर। तो माइट को समझने के लिए आप सबसे पहले समझे कि इसका उपयोग कहां करना है। तो माइट का उपयोग करना है पास्ट में। अभी मैं आगे माइट के कुछ ऐसे यूजेस भी बताऊंगा जिसमें माइट प्रेजेंट में यूज होगा। पूरे सेशन को केयरफुली देखते चलिए। पास्ट में अगर हम इसको माइट की बात करें, तो पास्ट में माइट को कैसे यूज करते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा नरेशन की ओर ले चलता हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की ओर। आप सभी अच्छे से जानते हैं कि कैन का पास्ट कुड होता है, तो मे का पास्ट माइट होता है। इसका मतलब ये कि कैन का सबसे पहला यूज तो ये हो गया, माइट का सबसे पहला यूज तो ये हो गया कि जब भी आप सेंटेंस में, मैं लिख देता हूं, इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ मे। ये मे की क्या है भैया, पास्ट फॉर्म है, है ना। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा, राम सेड इट मे रेन टुडे, ओके। जब आप इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप कहेंगे राम सेड दैट इट माइट रेन दैट डे। Point to be noted everyone, अब आप देखेंगे यहां पर आपने क्या देखा, हमने देखा कि यहां पर आपने मे को किस में चेंज कर दिया, माइट में। अच्छा, मे को माइट में क्यों चेंज किया, क्योंकि इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ मे, क्योंकि मे की पास्ट फॉर्म है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला यूज आपको ये लर्न करना है कि माइट का उपयोग होता है मे के पास्ट फॉर्म के तौर पर, जो कि इस तरीके से आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज जब हम करते हैं, या फिर हमारा जब पहला सेंटेंस पास्ट का होता है, तो उसके बाद आने वाले सेंटेंसेस में मे के स्थान पर हम माइट का उपयोग करते हैं। ये विशेष ध्यान आप सारे स्टूडेंट्स को देना है। इसके बाद स्टूडेंट, में जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप कैन हैव, कुड हैव, मे हैव और माइट हैव को यूज करते हैं। वो अगला सेशन इसके बाद वाला जो वीडियो आपको मिलेगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको डिटेल इसके बारे में। चलिए, अब मैं सेकंड यूज लेकर चल रहा हूं आपको कैन का। तो कैन का सेकंड यूज में ब्लैक पेन से लिखूंगा, आपको क्लियरली समझना है बहुत अच्छे से। तो कैन का दूसरा सेकंड यूज जो होता है स्टूडेंट्स, वो किस तरीके से होता है, एक प्रकार से किसी से कोई सजेशन लेने में। अब आप कहोगे सर सजेशन में भी तो शुड का यूज होता है, जी हाँ, आपको बता दूं कैन का भी यूज हम कर सकते हैं। आप किसी से कोई सजेशन ले रहे हो, कोई चीज किसी से पूछ रहे हो, तो उसके लिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप अप्लाई करते हैं। जैसे आप किसी से औपचारिक, अनौपचारिक तौर पर, इनफॉर्मल वे में अगर कुछ कह रहे हो, आप कहोगे क्या मैं बैठ सकता हूँ, कैन आई सीट यू, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन। सो इनफॉर्मल वेज पर, अगर फॉर्मल वेज पर करना है, तो उसके लिए हमारे पास मे है, कुड है, मैं बताऊंगा आगे इनके बारे में आपको। तो वहां पर याद रखिएगा, आपको कैन का यूज करना होता है। क्या मैं जा सकता हूँ, कैन आई गो, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपसे 2 मिनट बातें कर सकता हूँ, कैन आई टॉक विद यू फॉर 2 मिनट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके ये जो सेंटेंस हैं, इसमें बनते हैं कैन के साथ में। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कुड की। देखिए, कुड का सबसे पहला यूज तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर में हम लोग कुड को यूज करते हैं। कुड का सेकंड यूज जो है स्टूडेंट्स, ये शॉप करता है आपकी चॉइस को, गेसिंग को, जब कोई गेसिंग करते हैं, या फिर एक प्रकार से पॉसिबिलिटीज को। इतने सारे यूजेस होते हैं भैया, और याद रखना ये यूजेस आपके जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये होते हैं प्रेजेंट टेंस में। मतलब स्ट्रक्चर वही रहेगा, लेकिन ये मीनिंग किसका देगा, प्रेजेंट टेंस का देगा। जैसे आप किसी से बोल सकते हो आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, आपकी चॉइस पर डिपेंड कर रहा है। यू कुड वेट फॉर 2 मिनट्स। आप गेसिंग कर रहे हो, जैसे आपके सामने एक पोल है, आपने उसकी हाइट का पूछा है, ठीक है, या फिर किसी की एज, तो आपने कहा आई थिंक ही कुड बी अबाउट 15 ईयर्स, वो लगभग 15 साल का होगा शायद, तो ही कुड बी अबाउट 15 ईयर्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप कुड का उपयोग गेसिंग करने में भी करते हो, साथ ही पॉसिबिलिटीज को शो ऑफ करने के लिए भी आप कुड का उपयोग करते हैं। लाइक मैंने कहा वो आ सकता है आज, आई थिंक ही कुड कम टुडे। तो इस तरीके से कुड का उपयोग चॉइस में, गेसिंग में और पॉसिबिलिटीज में, प्रेजेंट टेंस में होता है, याद रखिएगा। तो ये आपका सेकंड यूज था कुड का। कुड का थर्ड यूज मैं आपको जस्ट बाद में बताऊंगा, पहले हम बात कर रहे हैं मे के सेकंड यूज की। तो भैया मे का जो सेकंड यूज होता है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा केयरफुली आपको देखना है। फर्स्ट यूज तो हमने पॉसिबिलिटी में देखा, दूसरा यूज होता है आई और वी के साथ में।
ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, तो आई और वी के साथ में रिक्वेस्ट के सेंस में होता है। जब भी आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो वहां पर याद रखें किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, और कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंसेस बनता है। सब्जेक्ट वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपसे दो मिनट बातें कर सकता हूं, मे आई टॉक विथ यू फॉर टू मिनट्स, क्या मैं आपकी बगल में बैठ सकता हूं, मे आई सीट बिसाइड यू, क्या हम जा सकते हैं, मे वी गो, क्या हम अंदर आ सकते हैं, मे वी कम इन। लेकिन आई और वी के साथ ही आपको यूज करना है स्टूडेंट्स। अगर सेकंड पर्सन के साथ आप यूज करोगे तो उसके साथ आपको कुड लगाना है। कुड का उपयोग भी रिक्वेस्ट करने में होता है, जैसे आपने आप किसी से कहोगे क्या आप दो मिनट वेट कर सकते हैं, कुड यू वेट फॉर टू मिनट्स, क्या आप वहां जा सकते हैं, कुड यू गो देयर, क्या आप थोड़ा सा उधर खिसक सकते हैं, कुड यू मूव देयर लिटिल बिट। तो इस तरीके से आप कुड का यूज करते हैं यू के साथ में, लेकिन आई और वी के साथ में आप वहां पर क्या यूज करते हैं, मे का उपयोग करते हैं। स्टूडेंट सारे चीजों को बहुत ही केयरफुली सुनिएगा और बिल्कुल इसके नोट्स बना लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको नेक्स्ट यूज माइट का लेकर चल रहा हूं। तो हम लोगों ने इसके दो यूजेस देखे, इसके भी दो यूजेस देखे, इसके भी दो यूजेस देखे, अब हम बात करते हैं माइट के सेकंड यूज की। तो माइट का फर्स्ट यूज मैंने आपको बताया था कि मे की पास्ट फॉर्म है। दूसरा माइट का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेजेंट टेंस में होता है, कुछ इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंट टेंस में यूज होता है माइट आपका, जो प्रेजेंट टेंस में कोई भी पॉसिबिलिटी को बताता है, कम संभावना को, कम पॉसिबिलिटी को शो अप करने के लिए आप लोग माइट का यूज करते हो। अगर पूरा माहौल क्लीन है तो आपने कहा शायद ही आज बारिश हो, इट माइट रेन टूडे, शायद ही आज वो आए, ही माइट कम टूडे, शायद ही वो पास हो, ही माइट पास, ओके, शायद ही वो मेरी हेल्प करे, ही माइट हेल्प मी, ओके। तो इस तरीके से शायद आज ट्रेन लेट हो, द ट्रेन माइट बी लेट टूडे। तो इस तरीके से कम पॉसिबिलिटी जब होती है स्टूडेंट्स तो वहां माइट लगता है, और ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है तो वहां पर मे लगता है। ये दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। ये भी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, ये भी प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन माइट का एक यूज मैंने आपको पास्ट टेंस में भी बताया। स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं सारे यूजेस आपको क्लियरली समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं थर्ड यूज की ओर। तो कैन और कुड, कैन के कोई थर्ड यूज नहीं है, लेकिन आपका जो कुड है इसका थर्ड यूज भी है स्टूडेंट्स, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। सब्जेक्ट कुड वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वही है, लेकिन आपको बता दूं मैं, ये मीनिंग देता है जब भी कोई काम आप सक्सेसफुली कर सके या कर पाए, राइट, वहां पर आप कुड का यूज करते हैं। जैसे आपने कहा आई कुड मीट हिम यस्टरडे, मैं कल उससे मिल पाया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, After a long time मतलब एक लंबे समय के बाद में कल उससे मिल पाया, मतलब उससे मिलने की मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था, मिल नहीं पाता था, but yesterday I could meet him after a long time। India match जीत पाया, India could win the match, मैं वहां जा पाया, I could go there। तो students ये सका सकी सके या पाया पाई पाए के सेंस में हम could को यूज करते हैं। ये could का आपका थर्ड यूज है। बिल्कुल सारे यूजेस को नोट करके चलेंगे। पहला यूज बताया मैंने, जो काम आप पास्ट में कर सकते थे बट अब नहीं कर सकते उसके लिए भी could लगता है। दूसरा चॉइस में, गैसिंग में, पॉसिबिलिटीज में could को यूज करते हो। और तीसरा यूज could का जो मैंने आपको बताया वो सका सकी सके के सेंस में है। बिल्कुल सारे नोट्स बनाएंगे आप लोग अच्छे से। चलिए मैं आपको मे का थर्ड यूज बताने वाला हूं। मे का थर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। अब देखिए स्टूडेंट्स ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसे आपने सुना होगा अक्सर बोला जाता है मे यू लिव लॉन्ग, ऐसे वाक्य जिनमें हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं। ईश्वर करे कि आप बहुत ज्यादा लंबी उम्र जिए, मे यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे आप अच्छे नंबरों से पास हो जाएं, मे यू पास विद गुड मार्क्स। ईश्वर करे आपको सब कुछ मिले, मे यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ, राइट। तो आपको अपनी लाइफ में सब कुछ प्राप्त हो, मे यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ। स्टूडेंट्स ये आपके होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आपका मे का जो उपयोग है वो आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी होता है। अब आप देखिए यहां पर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मे के तीन यूजेस बताया। पहला बताया पॉसिबिलिटी में, दूसरा बताया आई और वी के साथ रिक्वेस्ट करने में, और तीसरा आपको ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मैंने मे का उपयोग बताया। चौथा याद रखिएगा सो दैट, जो कंजंक्शन होती है सो दैट कंजंक्शन के बाद में हमेशा मे का उपयोग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, राइट, सो दैट कंजंक्शन के बाद में मे का उपयोग हम करते हैं। जैसे मैंने कहा हम पढ़ाई करते हैं ताकि हम पास हो जाए, वी स्टडी सो दैट वी मे पास। बिल्कुल इसको नोट करके आप लोग लिखेंगे। सो स्टूडेंट्स आज के सेशन में मैंने आपको डिटेल्ड बताया कैन कुड मे और माइट। अब आपको दे रहा हूं छोटी सी एक्सरसाइज जो आपको सॉल्व करके बताना है कि वहां पर कैन का यूज होगा, कुड का यूज होगा, मे का यूज होगा या फिर माइट का यूज होगा। सो इस एक्सरसाइज को आपको पूरी तरह सॉल्व करना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी।
नाउ स्टूडेंट्स, एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इन क्वेश्चंस को आपको फिल इन द ईच गैप यूजिंग करेक्ट मोडल वर्ब, जिसमें आपको कैन, कुड, मे और माइट से इनको फिल करना है। चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली रीड करते हैं। ही आस्क्ड इफ ही ब्लैंक हैव अ ड्रिंक। अब मुझे बताइए, यहां पर लिखा है आस्क्ड जो कि है वी टू। ओके, तो सबसे पहले तो आप लोग एक चीज दिमाग में क्लिक कर ले कि पहला सेंटेंस पास्ट का, तो आने वाले भी पास्ट के, मतलब कि यहां पर जो आएगा वो या तो कुड होगा या फिर माइट होगा। कैन और मे कभी नहीं हो सकता, विशेष ध्यान देना है। अगर पहला सेंटेंस पास्ट का आ रहा है तो आने वाले भी पास्ट के होते हैं। अब यहां पर आप देखेंगे कि उसने पूछा कि क्या वह एक ड्रिंक ले सकता है, तो जब परमिशन लेते हैं तो आपको पता है किसका यूज होता है, मे का, तो मे के साथ क्या लग जाता है, माइट। मे का पास्ट होता माइट, सो द राइट आंसर विल बी माइट। ओके, आप चाहे तो पहले खुद इसको सॉल्व कर ले, मैं जब आंसर्स बताऊंगा आप खुद इसको मिला लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, खुद सॉल्व करिए उसके बाद आंसर्स मिलाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यू ब्लैंक डू इट आई बिलीव, यू ब्लैंक डू इट आई बिलीव, तो यू कैन डू इट आई बिलीव। कैन क्यों आएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है आप ये कर सकते हो, मतलब आप सामने वाले पर एक विश्वास दिखा रहे हो, मतलब आप उसकी एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज वाई यहां पर कैन इज द राइट आंसर। ओके, अब ये मत कहना कि मुझे विश्वास है शायद आप कर सकते हो, सर मे भी तो सही हो सकता है, जी नहीं। आप जब सामने वाले पर विश्वास कर रहे हो इसका मतलब आपको उसकी एबिलिटी का पता है कि वो कर सकता है, इसलिए कैन इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, ब्लैंक गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ये है आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब कि इंपेरेटिव सेंटेंस में लगता है आपका मे, सो मे इज द राइट आंसर, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, ईश्वर आप पर दया करे। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स इसमें आएगा मे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट ब्लैंक बी वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स मच बेटर देन द अदर, ये थोड़ा सा महंगा जरूर है लेकिन ये दूसरों से ज्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा महंगा जरूर हो सकता है या है, थोड़ा सा महंगा हो सकता है, राइट? सोचिए क्या आएगा, कैन, कुड, मे और माइट, कम ऑन, क्या बताइए बताइए बताइए। पहली चीज तो कैन नहीं होगा, दूसरी चीज कुड पॉसिबिलिटी की होता है, मे भी होता है, माइट भी होता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए लगता है मे और कम पॉसिबिलिटी के लिए लगता है माइट। तो यहां पर एक्सपेंसिव होने की जो पॉसिबिलिटी है वो कम है, दैट इज वाई द राइट आंसर विल बी माइट। इट माइट बी एक्सपेंसिव, इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये थोड़ा सा महंगा जरूर हो सकता है, बट इट इज मच बेटर देन दी अदर्स, लेकिन दूसरों से ज्यादा अच्छा है मेरी गारंटी। मैक्सिमम लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि माइट, देखो क्यों माइट आया उसका रीजन समझो, माइट इसलिए आया क्योंकि यहां पर इसकी एक्सपेंसिव होने की पॉसिबिलिटी कम है, दूसरी ओर आप उसको बता रहे हो कि दूसरे प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छा है, भले ही थोड़ा सा महंगा है ना, लेकिन दूसरों से ज्यादा अच्छा है, सो इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव, माइट इज द राइट आंसर गाइस। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यस्टरडे ही ब्लैंक, यस्टरडे आ गया मतलब दो चीज तो क्लिक कर ही लेना कि या तो कुड आएगा या फिर माइट आएगा। ओके, ही ब्लैंक प्ले वेल एज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, कल जो है He could play well या he might play, right? बिल्कुल आंख बंद करके could लगा देना, क्योंकि वो कैसा था, well prepared था, well prepared था मतलब वो अच्छे से खेल पाया। Yesterday he could play well, कल वो बहुत अच्छे से खेला, as क्योंकि he was well prepared, क्योंकि वो अच्छे से prepared था। अगर मैं यहाँ note लगा दूँ कि he couldn't play well yesterday as he was not well prepared, तो वहाँ भी note लग जाएगा, राइट? ये समझेंगे थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट आप। यस्टरडे ही कुड प्ले वेल एज ही वॉज वेल प्रिपेयर्ड, नेगेटिव में यस्टरडे ही कुडंट प्ले वेल एज ही वॉज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, ही ब्लैंक अंडरस्टैंड मराठी बट ही ब्लैंक स्पीक। ओके, अब आप देखेंगे ही ब्लैंक अंडरस्टैंड मराठी, तो आप समझ गए होंगे ही कैन अंडरस्टैंड मराठी बट ही कांट स्पीक, वो मराठी समझ सकता है लेकिन मराठी बोल नहीं सकता है। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट है, ही इज एब्सेंट फ्रॉम क्लास, वो क्लास से क्या है, एब्सेंट है, अनुपस्थित है। आई थिंक ही ब्लैंक बी सिक, अब अगर कोई व्यक्ति क्लास से एब्सेंट है इसका मतलब कि उसकी पॉसिबिलिटी बीमार होने की, अगर वो एब्सेंट ही है तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है बीमार होने की, द मे इज द राइट आंसर। आपको बता दूं यहां पर गाइस कुड भी लगा सकते हो आप, He could be sick. लेकिन फॉर्मल यूज में मे इज द राइट, मे जो है वो ज्यादा सही होगा, कुड जो है बोलचाल की भाषा में सही हो जाएगा, लेकिन ज्यादा सही क्या होगा आपका, मे होगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब आप ये देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक छोटी सी एक्सरसाइज, और पूरे वीडियो को आपने
एंड तक देखा है उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को फटाफट लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो का फायदा उठा सके। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे।